बदायूं से बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता देते हैं, बेहद महत्वपूर्ण खबर बदायूं से इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यहां आपको बताया, बदायूं से सपा एमएलए ने बिजली कर्मी को पीटा है, पिटाई का ये मामला निकलकर सामने आया है। सपा एमएलए ने पिटाई की है, सपा एमएलए आशुतोष मौर्य ने एक कर्मचारी को पीटा है। सपा विधायक ने बिजली घर में तोड़फोड़ भी की है, कर्मचारी के साथ भी मारपीट की है। देर रात बिजली घर में जाकर ये तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद से मामला गर्मा गया है। आपको बता दें कि सपा एमएलए आशुतोष मौर्य ने कर्मचारी को पीटा है, अपने समर्थकों के साथ मिलकर ये पिटाई की गई है। सपा विधायक ने बिजली घर में तोड़फोड़ भी की है। बदायूं से इस वक्त की बड़ी जानकारी, देर रात बिजली घर में ये तोड़फोड़ की गई है, जिसका वीडियो भी निकलकर सामने आया है। और ये देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सपा विधायक ने बिजली घर में तोड़फोड़ भी की है। और ये देखिए कुछ तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति वहाँ पर बनी होगी और कैसे ये मारपीट की गई है। अपने समर्थकों के साथ बिजली घर पहुँचे थे आशुतोष मौर्य और यहाँ पर कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है, जिसके बाद से पूरा मामला संज्ञान में आ चुका है। बदायूं से जानकारी, सपा एमएलए ने बिजली कर्मी को पीटा है और उसका ये वीडियो भी सामने आया है। सपा एमएलए आशुतोष मौर्य ने कर्मचारी को पीटा है, सपा विधायक ने बिजली घर में तोड़फोड़ भी की है। अतुल शर्मा मासा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, क्या कुछ जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला और अभी क्या कुछ अपडेट है? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपा विधायक आशुतोष मौर्य बिसौली से विधायक हैं, बदायूं जिले के बिसौली से विधायक हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल वो अपने 4-5 साथियों के साथ बिजली घर बिसौली उप केंद्र है, उसमें वहाँ एसडीओ है प्रमोद मिश्रा, उसके साथ उन्होंने वीडियो मोबाइल छीनने की कोशिश की, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसको लेकर बिजली कर्मचारियों में रोष है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बैठक की है बिजली विभाग को लेकर, तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग को सुधार रोष है और उनके अनुसार बिजली देने की जा रही कोशिश। लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी के विधायक जो है वहाँ गुंडागर्दी करने पहुंचे, अपने गुर्गों के साथ वहाँ गए और उसके साथ हाथापाई की और तोड़फोड़ भी की। पुलिस मामले को जी ठीक है। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ।